आज बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन जरूरत पता नहीं क्यों मजबूर कर देते हैं कई बार. थोड़ा दुख भी है, गुस्सा तो इतना है कि अगर मिल गए तो पता नहीं, मतलब मैं हमेशा जैसे बहुत प्रॉब्लम है. लोग बोलते हैं ना, एक मेरे वीडियो में, सिर्फ एक वीडियो में गाली आई थी, बट जनरली वो उपाधियां हैं. पहले लोगों ने वैसी हरकतें की, फिर उसके बाद उनको वो उपाधियां दी गई जिसको लोग गालियां कहते हैं. बट मैंने अपने बड़े भाई को वचन दिया है कि मैं ऑनलाइन गाली नहीं बकूंगा, तो वो छोड़ रहा हूं. लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है, अभी माँ, यार माँ ना हिंदू की होती है ना मुसलमान, माँ जो है ना, माँ एक अलग चीज है जो ऊपर वाले ने अपने से बड़ी चीज बनाई. क्योंकि जब जब जमीन पर, चाहे वो किसी भी धर्म का भगवान हो, रसूल हो, गुरु नानक साहब हो, चाहे कोई भी हो, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, जिसको भी, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, जब जमीन पर आना था ना, तो याद रखना तब माँ की जरूरत पड़ी. और एक तो हो गई पैदा करने वाली, जिसको हम जैसे बहुत सारे पागल इज्जत करते हैं, वो है हमारी भारत माँ. इस जमीन के हर जर्रे से जितनी मोहब्बत एक सिपाही करता है, मुझे लगता है, मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनता हूं लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी, मैं भी उतनी ही मोहब्बत करता हूं उस वतन से. अब बात आती है, जब वतन की हम बात करते हैं, तो वतन बना कैसे? उसके सम्मान से, उसके संस्कार से, इस देश के कल्चर से, इस देश की जो हम बोलते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, उससे बना है. कुछ गद्दार, कुछ भड़ुए उसको भंग कर रहे हैं धर्म के नाम पर और धर्म की आड़ पर. कैसे? अभी एक बहुत बड़े उसकी ऐसा गुस्सा है ना, अगर अभी सामने होता ना, एक रैप्टे में कान और पता नहीं कहां कहां से खून निकल जाता. यह बोलता है कि दुर्गा इज अ, उसने जिन शब्दों का उपयोग किया, हम हमारे संस्कार परमिटिंग करते कि हम भगवती के लिए, माँ दुर्गा के लिए वो उपयोग कर सके. मैं नास्तिक हूं, आस्तिक उससे मतलब नहीं है, लेकिन करोड़ों अरबों लोगों की उससे आस्था जुड़ी हुई है, माँ दुर्गा से. वो देवी है, ठीक है यार, माँ दुर्गा को आप एक भगवान के रूप में नहीं, लेकिन एक माँ है, एक स्त्री है, सबसे पहले उसका तो सम्मान करिए. मर्द की पहचान होती है कि वो महिला का किस प्रकार से और किस तरीके से और कितना सम्मान करता है. अपने आप को बहुत मर्द बोलते हो ना, ये जो गद्दा है ना, जो भड़ुआ साला, जिसने ये कहा कि माँ दुर्गा के बारे में, आप उनके बारे में जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, अरे मैं तो ये बोल रहा हूं अभी तक बचा कैसे है? उसका कारण है, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, भारत के संविधान के कारण उस आदमी के ऊपर केस भी दर्ज हो गया है. लेकिन मैं भारत का बहुत सम्मान करता हूं, संविधान का सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं, इसलिए शायद बचा हुआ. तेरे को पढ़ नहीं रही है ना अभी, तेरी ऐसी की तय, मतलब जो करना था ना वो बहुत जज्ब करके बहुत रोक के बैठा हूं, क्योंकि रीजन है, जुबान दी है मैंने और वो जुबान भी तोड़ना चाहता हूं अपनी. सुन, माँ के बारे में आज एक मिनट, हिंदू और मुसलमान बात कहां, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म में, चाहे वो मदर मैरी के बारे में हो, चाहे मोहम्मद साहब की माँ हो, चाहे वो आज तेग बहादुर जी की माँ हो, चाहे वो राम की माँ हो, चाहे किसी की भी माँ हो, सबसे पहले वो माँ है, उसके देवी देवता वो बाद में है चीज. एक पुरुष की बात करते हो, मर्दानगी की बात करते हो, तुमने दुर्गा के बारे में, ये पता नहीं कौन लौंडा है वो, मैं तो नाम भी नहीं लेता हूं, क्योंकि बात वही है ना कि ऐसों को क्या कहें. यही लोग, इसीलिए लिखा था, न हिंदुओं से न मुसलमानों से इस मुल्क को तकलीफ है, ऐसे ही भड़ुए गद्दार और बेईमानों से. इन लोगों ने धर्म को बदनाम किया, मर्दों को बदनाम किया. जब मर्दानगी की बात करते हो, आप हमारी देवी, मैं बहुत गर्व से कहता हूं हिंदू घराने में पैदा हुआ हूं, लेकिन उससे लाख गुना ज्यादा मुझे इस पर गर्व है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं. और हमारे कल्चर में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि महिला का अपमान करें और विशेषकर देवी देवताओं का अपमान करें. अबे सुन, तेरे जैसे लोगों ने इन धर्मों को बांटने की राजनीति की है. और एक बात समझ में नहीं आते, ऐसे जितने भड़ुए हैं, ऐसे जितने गद्दार हैं, इन्हीं को टेररिस्ट मासूम लगता है, इन्हीं भड़ुओं को जो सिपाही करता है उनको सिपाहियों का काम गलत लगता है, इन्हीं भड़ुओं को देवी देवताओं के और हर धर्म के जो जिनको माना जाता है उनके बारे में गलत कमेंट करते हो. देखते हैं संविधान क्या करता है. मुझे पूरा भरोसा है और FIR हो चुकी है, और इस लौंडे पे जिसने ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया पे लिखा था, मुझे अभी पता चला परसों ये बात. लेकिन सुन, मेरे सामने जिस दिन पड़ गया उस दिन पूरा तेरे को समझ में आ जाएगा. माँ की छोड़, माँ की औलाद दिखाऊंगा कि माँ ने कैसे पैदा किए हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा तेरे को. चला, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय.